नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। 10 राज्यों के 53 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए भी मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। केंद्र ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 15 राज्यों को 22 अरब रुपए की पहली किश्त जारी की। अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव आज होंगे। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो गया है। इस चरण में पटना, वैशाली, सीतामढ़ी, दरभंगा और मधुबनी सहित 17 जिलों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। 2,86,00,000 से अधिक मतदाता 1,463 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 146 महिलाएं और 1 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार शामिल है। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि राघोपुर, पारू, मीनापुर और अलौली सहित नक्सल प्रभावित 8 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। कुल 41,362 मतदान केंद्रों में से 8,694 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। निर्वाचन आयोग ने 3,548 मतदान केंद्रों पर इंटरनेट के माध्यम से सजीव प्रसारण की व्यवस्था की है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि सुचारू मतदान के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इस मतदान में सभी पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे अर्धसैनिक बल की व्यवस्था की गई और उसके अतिरिक्त हर 5 से 6 बूथ पर एक पेट्रोलिंग पार्टी होगी और हर 12 से 15 बूथ पर एक सेक्टर पार्टी होगी, जिसके पास न सिर्फ अपना बल होगा बल्कि उनके पास स्पेयर ईवीएम भी होगी। इसके अलावा ब्लॉक थाना स्तर पर सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स एंड फोर्सेज की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से मल्टी लेयर पेट्रोलिंग, मल्टी लेयर नीड बेस्ड री इन्फोर्समेंट की व्यवस्था की गई है। निर्वाचन आयोग ने मतदान के दौरान कोविड निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया है। प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव संबंधी गतिविधियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। मतदाताओं को भी वोट देते समय मास्क पहनना होगा। सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और मतदान के दौरान सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध रहेगा। सभी मतदान केंद्रों को पहले से ही सैनिटाइज किया जा चुका है। कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1,500 की जगह केवल 1,000 मतदाता ही वोट डाल सकेंगे। और अब ताजा जानकारी के लिए चलते हैं पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हमारे संवाददाता कृष्ण कुमार लाल के पास। कृष्ण कुमार जी, मतदान कैसा चल रहा है? कोरोना महामारी के बीच लोगों में मतदान को लेकर कैसा रुझान देखने को मिल रहा है? मुकेश, मैं इस समय पटना के दीघा विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 108 के नजदीक हूँ। लोग वोट डालने को लेकर काफी उत्साहित हैं। 7 बजे मतदान शुरू होने के पहले ही लोगों का आना शुरू हो गया। वैसे युवा जो पहली बार वोट डालेंगे, वे अपने मताधिकार को लेकर रोमांचित दिख रहे हैं। बुजुर्ग और महिलाएं मास्क पहनकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अधिकांश मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। मुकेश, इस बार कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव हो रहा है, इसे देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। मतदाताओं के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। जो संक्रमित पाए जा रहे हैं, उन्हें मतदान समाप्त होने के 1 घंटा पहले आने को कहा गया है। सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया गया है। मुकेश, कृष्ण कुमार जी, सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कैसे काम कर रही हैं? मुकेश, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान तैनात हैं। 8 विधानसभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित इलाकों में हैं, इसे देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।
दियारा इलाकों में घुड़सवार दस्ते को तैनात किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा बल के जवान गंगा, गंडक और बागमती समेत अनेक नदियों में गश्त कर रहे हैं। अनहोनी घटना को टालने के लिए हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। कुछ स्थानों पर ईवीएम के शिकायत होने की खबर है, जिसे बाद में बदल दिया गया। मुकेश कृष्ण कुमार लाल जी, इस ताजा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। इस चरण में भारतीय जनता पार्टी 46, जनता दल यूनाइटेड 43 और विकासशील इंसान पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने 56 सीटों और कांग्रेस ने 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने 52 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। आरएलएसपी के 36, बहुजन समाज पार्टी के 33 और एनसीपी के 29 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मतदाताओं से अपील की है कि दूसरे चरण के मतदान में बड़ी संख्या में वोट देने आएं और लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि मतदान की प्रक्रिया के दौरान मास्क पहनकर रखें और सुरक्षित दूरी का भी पालन करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के विभिन्न स्थानों पर उपचुनावों के लिए भी मतदान हो रहा है। उन्होंने इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं से अनुरोध किया कि बड़ी संख्या में वोट देने आएं और लोकतंत्र को मजबूत करें। गृहमंत्री अमित शाह ने दूसरे चरण में सभी मतदाताओं से बड़ी संख्या में वोट देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता राज्य में लोकतंत्र को मजबूत करने तथा शांति, समृद्धि और प्रगति के लिए वोट देने पहुंचे। श्री शाह ने कहा कि बिहार के प्रत्येक व्यक्ति के वोट से राज्य लूट और अपराध की काली छाया से बाहर निकलकर विकास और सुशासन के मार्ग पर आगे बढ़ा है। इस बीच तीसरे चरण के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सहरसा और अररिया के फारबिसगंज में दो चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के लोगों के प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद से वे अभिभूत हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कटिहार और किशनगंज में दो चुनावी सभाओं में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और महागठबंधन दोनों के ही स्टार प्रचारक अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में अनेक जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान और आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा तथा वामपंथी नेता भी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तीसरे और अंतिम चरण में 15 जिलों में 78 चुनाव क्षेत्रों में शनिवार को वोट डाले जाएंगे। 10 राज्यों के 53 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी है। इनमें मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और नागालैंड शामिल हैं। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। 22 महिलाओं समेत 355 उम्मीदवार मैदान में हैं। सर्वाधिक 38 प्रत्याशी मुरैना जिले के मेहगांव निर्वाचन क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम 3 उम्मीदवार धार जिले की बदनावार सीट पर हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय पुलिस बलों की 4 कंपनियां मतदान केंद्रों पर तैनात की गई हैं। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए पहले से ही सारी तैयारी कर ली है। मतदान के लिए 13,115 वैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट और 14,050 वीवीपैट उपलब्ध कराई गई हैं। इन चुनाव में 14 मंत्रियों सहित 355 उम्मीदवार मैदान में हैं। उपचुनाव में कुल 3,038 संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान की गई है। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित मतदान के लिए 250 उड़नदस्तों और 293 पुलिस चौकियों की व्यवस्था भी की गई है। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार तोमर ने बताया कि इन 28 सीटों पर 63,88,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इन 28 सीटों में से 27 पर अब तक कांग्रेस का कब्जा था और एकमात्र आगा सीट भाजपा के पास थी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उत्तर प्रदेश में कोविड के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मतदान कराया जा रहा है। इन 7 सीटों में से 6 भारतीय जनता पार्टी के और 1 समाजवादी पार्टी के पास थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कोरोना के मद्देनजर सभी पोलिंग स्टेशनों पर स्वतंत्र, निष्पक्ष और कोरोना मुक्त मतदान के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। ये उपचुनाव सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम है, जिन्होंने अपने नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जबरदस्त चुनाव प्रचार किया है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें अमरोहा जिले की नौगांवा सादात, बुलंदशहर सीट, फिरोजाबाद जिले की टूंडला, उन्नाव की बांगरमऊ, कानपुर देहात की घाटमपुर, देवरिया सदर और जौनपुर जिले की
की मल्हनी सीट शामिल है। इन 7 सीटों पर 88 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें बुलंदशहर में सबसे ज्यादा 18 और घाटमपुर में सबसे कम 6 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। गुजरात में 8 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, एक रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा के 8 सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। इसमें अबड़ासा, मोरबी, लिंबड़ी, धारी, करजण, गढ़ड़ा अनुसूचित जाति और डांग और कपराड़ा अनुसूचित जनजाति सीटें शामिल है। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए चुनाव आयोग द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा कर्मचारी और मतदान केंद्र के सभी कर्मचारियों को मास्क, सैनिटाइजर, फेस शील्ड और हैंड ग्लोव मुहैया कराया गया है। मतदान केंद्रों में प्रवेश से पहले सभी मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। कुल 1,807 जगहों पर 3,024 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र में अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1,500 से घटाकर 1,000 कर दी गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। छत्तीसगढ़ में मरवाही विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सीट अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी के लिए आरक्षित है। छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में आज 191,000 से अधिक मतदाता 8 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस विधानसभा क्षेत्र में हो रहे इस उपचुनाव के लिए 286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कोविड-19 के मद्देनजर मतदान के दौरान पोलिंग बूथों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वहीं कोरोना प्रभावित मतदाताओं को मतदान के अंतिम 1 घंटे में वोट डालने की सुविधा दी जाएगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। उड़ीसा में बालेश्वर सदर और तिरतोल विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं और कोविड से संबंधित सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 8 उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के 1-1 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। भाजपा के निर्वाचित प्रत्याशियों में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी शामिल हैं। उनके अलावा भाजपा के अरुण सिंह, हरिद्वार दुबे, ब्रिजलाल, नीरज शेखर, गीता शाक्य, सीमा द्विवेदी और बीएल वर्मा निर्वाचित हुए हैं। समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव और बहुजन समाज पार्टी के रामजी गौतम भी उच्च सदन के लिए चुने गए हैं। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। स्वस्थ होने की दर अब 91.68% हो गई है। अब तक 75,00,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 53,000 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान संक्रमण के करीब 45,000 नए मामले सामने आए हैं। वर्तमान में कोविड के 5,61,000 से अधिक मरीज हैं। देश में कोविड मृत्यु दर 1.49% है। पिछले 24 घंटों में 496 लोगों की मृत्यु हुई है। देश ने कोविड परीक्षण के मामले में एक और उपलब्धि प्राप्त की है। पिछले 24 घंटों में 8.5 लाख से अधिक कोविड जांच के बाद कुल परीक्षण का आंकड़ा 11 करोड़ को पार कर गया है। महाराष्ट्र में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या में धीरे धीरे कमी आ रही है। कल 4,009 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार के प्रयासों के कारण संक्रमित लोगों की संख्या में कमी आई है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 10,225 मरीजों को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई, जिसके बाद राज्य में स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 15,24,304 हो गई। राज्य में फिलहाल 1,18,777 मरीजों पर इलाज जारी है। मुंबई में कोविड-19 के 706 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके साथ मरीजों की संख्या 2,59,111 पर पहुंच गई। कोविड-19 के प्रसार पर अधिक नियंत्रण पाने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम 244 स्थानों पर निःशुल्क परीक्षण सुविधा प्रदान कर रहा है। इनमें से कुछ स्थानों पर आरटीपीसीआर जबकि अन्य स्थानों पर एंटीजन चिकित्सा परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध है। दूसरी ओर मुंबई के फैमिली कोर्ट ने आज से कोर्ट में आने वाले वकीलों और मुकदमेबाजों के लिए निःशुल्क एंटीजन टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया है, जिसके माध्यम से मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। विधेयक में किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक वाहनों और कार्यस्थलों या किसी सामाजिक, राजनीतिक या सामान्य समारोह में बिना मास्क पहने आवाजाही करने की अनुमति नहीं रहेगी, लेकिन विधेयक में दोषी पाए जाने पर जुर्माने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।
इस बीच राज्य में कोविड से संक्रमित लोगों की संख्या 2 लाख से अधिक हो गई है। कल 1748 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। प्रदेश में अब तक 1,82,000 से ज्यादा लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कल महज 1,105 रोगी संक्रमण से मुक्त हुए, जो पिछले 51 दिन में सबसे कम है। इसके कारण सक्रिय मरीजों की संख्या में भी मामूली बढ़ोतरी हुई है। राज्य के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, नागौर और अजमेर जिले संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। जयपुर में भी रोज 300 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। जोधपुर में भी रोजाना बड़ी संख्या में संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। राज्य में इस बीमारी से अब तक 1,926 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इन सब के बावजूद सितंबर के मुकाबले अक्टूबर माह में कोरोना के नमूनों की जांच में भी कमी आई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड योद्धाओं को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने की सामग्री तैयार की है। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कार्यक्रम में 56 मॉड्यूल, 196 वीडियो और 133 प्रशिक्षण दस्तावेज शामिल किए गए हैं। अब तक 19 लाख से अधिक लोगों ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और 15 लाख से अधिक ऑनलाइन प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। आकाशवाणी के एक विशेष कार्यक्रम में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर एन माथुर ने कहा है कि कोविड के इलाज के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतना एकमात्र उपाय है। उन्होंने सलाह दी कि बस और अन्य सार्वजनिक परिवहन में यात्रा के दौरान लोग मास्क जरूर पहने और अपने हाथों को साफ करते रहें। ये लड़ाई जो है 3 स्तंभों पे हम लड़ रहे हैं जब तक कि हमारे पास वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट नहीं आता। एक तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन। जैसे आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं तो अगर सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं है, आपके निकट में 2 गज की दूरी से कम कोई व्यक्ति और बैठा है, तो आप जो बाकी 2 स्तंभ हैं उनको सुदृढ़ कर लें उस टाइम के लिए। मतलब कि आप अपना मास्क तो बहुत ही अच्छी तरह लगा के रखें। अगर दोनों जने मास्क लगाए हुए हैं बस में और बस के शीशे को नीचे कर लें अगर वो एयर कंडीशन बस नहीं है तो, और एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं या उनको छुए नहीं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और लैंडलाइन नंबर 01-1-2331-4444 पर फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। 10 राज्यों के 53 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए भी मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। केंद्र ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 15 राज्यों को 22 अरब रुपए की पहली किस्त जारी की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव आज होंगे और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हराया। केंद्र ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के उपाय करने के लिए 15 राज्यों को पहली किस्त के रूप में 22 अरब रुपए जारी किए हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर यह धनराशि जारी की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि इससे 10 लाख की आबादी वाले शहरों के स्थानीय निकायों की क्षमता निर्माण सहित वायु गुणवत्ता सुधारने के उपाय करने में राज्यों को मदद मिलेगी। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। केंद्र सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना की अवधि बढ़ा दी है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को खोले जाने और त्योहारों के दौरान मांग में वृद्धि की आशा को देखते हुए ऐसा किया गया है। आपात ऋण गारंटी योजना की घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों, व्यापार उद्यमों, कारोबार के लिए वैयक्तिक ऋण और मुद्रा कर्जदारों को आसानी से गारंटीशुदा ऋण उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत अब तक 60,67,000 लाभार्थियों को 2,03,000 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है। 1,48,000 करोड़ रुपए की राशि का ऋण दिया जा चुका है।
कोयले की बिक्री के लिए कोयला खदानों की नीलामी के कल पहले दिन बोली लगाने वालों के बीच मजबूत और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखी गई। कोयला मंत्रालय ने दो स्तरों को अग्रिम नीलामी प्रक्रिया के तहत 18 जून को वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी शुरू की थी। इस प्रक्रिया के तहत बोली लगाने वालों को आरक्षित कीमत पर प्रतिशतता राजस्व हिस्सेदारी के लिए बोली लगानी पड़ती है। कोयला मंत्रालय की ओर से नीलामी के लिए रखे गए कोयला खंडों में बोली लगाने वालों ने अच्छी रुचि दिखाई। रेलवे यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिल सके इसके लिए त्योहारों के दौरान और रेलगाड़ियां चलाएगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि कोविड के कारण केवल आरक्षित रेलगाड़ियां ही चलाई जा रही हैं। श्री यादव ने लोगों से आग्रह किया कि वे सुरक्षित यात्रा के लिए केवल टिकट कन्फर्म होने पर ही रेलवे स्टेशन आए। उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक 436 विशेष त्यौहार रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। असम में बोंगई गांव जिला प्रशासन ने हरित ऊर्जा के लिए अनेक उपाय किए हैं। आकाशवाणी से बातचीत में जिले की उपायुक्त लक्ष्मी प्रिया ने बताया कि हरित बोंगई गांव का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जिले में पुहार परियोजना लागू की जा रही है। एक रिपोर्ट। बोंगाईगांव जिले में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सीएसआर पहल के तहत प्रोजेक्ट पोहर के जरिए 1000 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जा रहे हैं। इनमें से 500 स्ट्रीट लाइट पहले ही लगाई जा चुकी है। जिले के उपायुक्त डॉक्टर एमएस लक्ष्मीप्रिया ने कहा कि प्रोजेक्ट पोहर का मीनिंग असम में रोशनी है। प्रोजेक्ट पोहर में हम 1000 सोलर स्ट्रीट लाइट बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट के टाउन एरिया से इंस्टॉल कर रहे हैं। यही प्रोजेक्ट में 1000 स्कूल में एक टाइम में ले रहे हैं। एवरी स्कूल में 4 नंबर्स ऑफ सोलर स्ट्रीट लाइट लगेगा, तो टोटली 4000 सोलर स्ट्रीट लाइट हम लगाएंगे और उसके एसोसिएटेड बाकी प्रोजेक्ट्स जो प्रोजेक्ट आलोक के नाम पे हमने अभी शुरू किया है। डॉक्टर लक्ष्मी प्रिया ने कहा कि जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में ऊर्जा प्रभावकारी रोशनी और सोलर पैनल भी लगाए जा रहे हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में काबुल विश्वविद्यालय पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। श्री मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में अफगानिस्तान का सहयोग करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने हमले में मारे गए घायल लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। अमरीका में आज राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन दोनों ने ही मतदाताओं को रिझाने के लिए कल प्रयास किए। ट्रंप ने मिशिगन, आयोवा, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और फ्लोरिडा में प्रचार किया। बाइडेन ने फिलाडेल्फिया में प्रचार की अनेक गतिविधियों में भाग लिया। लगभग 9 करोड़ 20 लाख अमरीकावासी पहले ही वोट दे चुके हैं। इसकी मतगणना में कुछ दिन लगेंगे और कुछ प्रांतों में सप्ताह भी लग सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात अबूधाबी में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हरा दिया। इस जीत से दिल्ली अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है और बृहस्पतिवार को होने वाले क्वालिफायर एक में उसका मुकाबला मुंबई इंडियंस से होना तय है। आज शारजाह में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा, जिसके परिणाम के आधार पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का तीसरा या चौथा स्थान तय होगा। भारतीय नौसेना का पोत एरावत मिशन सागर 2 के तहत कल पोर्ट सूडान पहुंचा। भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और कोविड महामारी से निपटने के लिए मित्र देशों को सहायता दे रही है। इसी क्रम में आईएनएस एरावत सूडान की जनता की मदद के लिए 100 टन सामग्री की खेप लेकर गया है। इससे पहले मिशन सागर प्रथम इस वर्ष मई से लेकर जून में शुरू किया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या क्या सुर्खियां हैं। जी मुकेश, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के आज होने वाले मतदान की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, बिहार में दूसरे फेज की वोटिंग आज, एमपी और गुजरात में भी उपचुनाव।
जनसत्ता लिखता है तेजस्वी सहित कई नेताओं की किस्मत ईवीएम में होगी बंद। राष्ट्रीय सहारा लिखता है 94 सीटों पर होगा मतदान। राज्यसभा चुनाव पर दैनिक जागरण की सुर्खी है राज्यसभा में भाजपा हुई और मजबूत 9 सीटों पर जीत। पत्र के अनुसार सदन में भाजपा की सदस्य संख्या 92 हुई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कुल 104 राज्यसभा सदस्य। 242 सदस्यों के सदन में 38 सदस्यों के सबसे निचले स्तर पर आई कांग्रेस। राष्ट्रीय सहारा ने राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से 10 सदस्य निर्वाचित होने की खबर सचित्र प्रकाशित की है। अमर उजाला लिखता है भाजपा शिखर कांग्रेस निम्नतम स्तर पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है गिलगित बाल्टिस्तान पर किसी भी तरह का बदलाव मंजूर नहीं। पत्र के अनुसार इस्लामिक आतंकवाद को लेकर बढ़ा प्रहार। राजनाथ बोले फ्रांस में जो कुछ भी हुआ वो निंदनीय। नवभारत टाइम्स ने विवाद शीर्षक से लिखा है मथुरा के नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने पर 2 अरेस्ट 4 पर FIR। हिन्दुस्तान ने दुस्साहस शीर्षक से लिखा है अफगानिस्तान में आतंकी हमला 25 लोग मरे। पत्र के अनुसार मरने वालों में 19 छात्र और 1 शिक्षक शामिल। दैनिक भास्कर के अनुसार तालीम से मोहब्बत की सजा। जनसत्ता के अनुसार दिल्ली में कोरोना के मामलों में वृद्धि पर केंद्र ने कहा त्योहारी मौसम ज्यादा आवाजाही और लापरवाही जिम्मेदार। राष्ट्रीय सहारा के मुताबिक दिल्ली में लापरवाही ने बढ़ाई मुसीबत। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार आयुर्वेदिक दवा से 6 दिन में ठीक हुआ कोरोना मरीज। अमर उजाला ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के हवाले से लिखा है महिलाओं से जुड़े मामलों में जजों को संवेदनशील बनाना जरूरी। पत्र ने अटॉर्नी जनरल का सुझाव भी दिया है छेड़छाड़ के आरोपी से राखी बंधवाने का आदेश नाटक तथ्यों पर केंद्रित रहें जज। वीर अर्जुन लिखता है त्योहार पर कन्फर्म टिकट देने के लिए कमर कसी रेलवे ने। पत्र के अनुसार साल के अंत तक रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। हरिभूमि ने झंडा दिवस पर सम्मान प्रकट करते हुए मदद का हाथ बढ़ाने की खबर पर शीर्षक दिया है शहीदों के परिवारों की मदद करेंगे 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी हर कर्मी देगा 200 रूपये का योगदान। 2 दिसंबर से पहले जमा करानी होगी राशि। हर साल 7 दिसंबर को सशस्त्र बल झंडा दिवस मनाया जाता है। राजस्थान पत्रिका ने पहली बार शीर्षक से लिखा है न्यूजीलैंड में गूंजा हमारी प्रियंका राधा कृष्णन का डंका भारतीय मूल की बेटी बनी जेसिंडा सरकार में मंत्री केरल में जश्न का माहौल। इस बीच पुर्तगाल के श्री दुआर्ते पचीको को अंतर संसदीय संघ IPU का नया अध्यक्ष चुना गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री पचीको को IPU का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि हांगकांग में राजनीतिक उद्देश्यों के लिए 8 सांसदों की गिरफ्तारी कानून का खुल्लम खुल्ला दुरूपयोग है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। 10 राज्यों के 53 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए भी मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। केंद्र ने वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए 15 राज्यों को 22 अरब रुपए की पहली किश्त जारी की। अमरीका में राष्ट्रपति चुनाव आज होंगे। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।